वी विल स्टार्ट विद द पार्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसमें पार्ट टू में क्या इंक्लूड किया हुआ है। दिस पार्ट इंक्लूड्स द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द डेवलपमेंट परमिशन, मतलब ऑक्यूपेंसी और बिल्डिंग और उसका मतलब स्टार्ट टू एंड प्रोसेस, मतलब फ्रॉम द कमेंसमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट, टू द एंड, टू द ऑक्यूपेंसी, सब चीजें कैसे होती है, कैसे परमिशन ली जाती है, किससे ली जाती है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये सब कुछ चीजें डिटेल में पार्ट टू में हमें बताया गया है। ठीक है, सो पार्ट टू इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड थिंग। ठीक है, सो अब देखिए हु आर द की स्टेक होल्डर्स फॉर दिस, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन किस किस चीजों से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक आदि प्लेस ओन करना है, सो ओनर और अ डेवलपर, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डेवलपर, सो मैंने वो एक जगह है एक्स वाई जेड, पुणे में एक एक्स वाई जेड जगह है, वहां पर मुझे एक बड़ा सा मॉल बनाना है। हाँ, तो आई एम द ओनर और अ डेवलपर, सो आई एम द स्टेक होल्डर्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट हो गया है ऑथोरिटी हैविंग द जुरिडिक्शन, मतलब ये पुणे के अंदर पीएमसी में आती है, पीसीएमसी में आती है, पीएमआरडीए में आती है, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड द ऑथोरिटी हैविंग द जुरिडिक्शन कि ऑन, मतलब मुझे परमिशन किस चीजों से, किस ऑथोरिटी के अंडर से लेनी है। सो द नेक्स्ट पार्ट बिकम्स द ऑथोरिटी हु इज द नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स, देन आई विल फाइनलाइज द आर्किटेक्ट कि जो भी एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल लुक देगा, उसके साथ साथ मुझे एक सिविल इंजीनियर लगेगा क्योंकि मुझे वो सब कुछ चीजें एग्जीक्यूशन में डालनी है, वो सिविल इंजीनियर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर अपॉइंट करेगा। ये सब चीजें होने से पहले वहां की सॉइल की टेस्टिंग होगी, वहां का सब कुछ डिटेलिंग आएगा, एसपीसी निकलेगा, सो आई नीड अ जियोटेक्निकल इंजीनियर फॉर दैट। ये सब चीजें होने के बाद ये चारों मिलकर दे विल एग्जीक्यूट, दे विल फर्स्ट प्लान, देन दे विल एग्जीक्यूट, फॉर दैट दे विल रिक्वायर अ सुपरवाइजर हु विल टेक केयर ऑफ द एक्टिविटीज, जैसे पीएमसी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सो वी नीड अ सुपरवाइजर टू टेक केयर ऑफ दैट, वी नीड अ टाउन प्लानर, क्यों, क्योंकि जब आप ये पूरा सैंक्शनिंग करते हो द टाउन प्लानर इज गोइंग टू सी कि डीपी में उसका रिजर्वेशन क्या है, सब कुछ क्या है, इज इट गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स नॉर्म्स एंड एवरीथिंग और नॉट, सो द टाउन प्लानर्स कम्स इनटू द पिक्चर। फिर उसके बाद लैंडस्केप, जैसे अब मैंने आपको मॉल की बात की है या फिर कोई मॉल ही लेकर चलते हैं, सो स्टार्टिंग के एंट्रेंस में हाउ द लैंडस्केप विल लुक लाइक, सो लैंडस्केप आर्किटेक्ट का वर्कआउट आ जाता है, अर्बन डिजाइनर बोलो, इंजीनियर फॉर द यूटिलिटीज, बिल्डर्स, दे ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस एनबीसी गाइडलाइंस, हु यूजेस दिस एनबीसी गाइडलाइंस इन देयर डे टू डे लाइफ। अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस दे प्रिपेयर द प्लान, दे एग्जीक्यूट द प्लान, दे डिमोलिश द बिल्डिंग्स, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द एनबीसी गाइडलाइन, सो दीज आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एनबीसी, राइट। सो अब नाउ यू आर वेरी मच कॉमन वर्ड्स है ये आपके लिए, की प्लान, साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, तो इन सब की स्केल आपको एग्जाम में पूछे जा सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट